रविवार के दिन भाग्यनगर के जियागुड़ा स्थित समर्थन नारायण कामधेनु गौशाला के अंदर अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। देखते हैं BSS न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। के साथ
सभी भक्तों ने विशाल गौ के दर्शन करीब यहाँ आज इस वर्ष 5,500 से भी ज़्यादा गौ की संख्या गौवंश आश्रम में सुरक्षित नित्य सेवा उनकी कृपा से भगवान राम की कृपा से भक्तों के अपने प्रेम और अभिमान से प्रयासों से झोली से चल रही है। वह आज उसका साक्षात्कार सभी ने किया, सभी ने गौग्रास की सेवा में भाग लिया और उसके बाद ठीक 1:30 बजे गैया मैया के प्रसाद का कार्य प्रारंभ हुआ। आप साक्षी हैं, आप देख रहे हैं और यह प्रक्रिया प्रसाद की भजन की सायंकाल तक चलेगी और प्रदोष कार्तिक उपलक्ष्य में दीपोत्सव का बहुत बड़ा मान्यता है कि वो तिमिरांध दूर करे, ऐसा दीप देवता की कृपा, वो लक्ष्मी माता की कृपा, गैया मैया की कृपा, भगवान राम की कृपा, इसलिए दीपोत्सव के साथ प्रदोष काल में यह कार्य मंगलाचरण के साथ परिपूर्ण होगा। सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं, ले में प्रसाद स्वीकारें और मीडिया द्वारा ये जहाँ तक पहुँचेगा वह भी हम यहाँ प्रभु चरणों में प्रार्थना है, गोप चरणों में प्रार्थना कि आने वाला समय, आने वाला यह वर्ष सभी को मंगलमय हो, मंगलप्रद हो, आयु आरोग्य हो, सभी के कार्य में यशो कीर्ति बढ़े और जैसे हम लोग जयकारा करते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, समूचे इस विश्व का कल्याण हो, क्रोध कम हो, रक्तपात कम हो, सुभिक्षा हो, ऐसा गौ माता यह कृपा करे और भक्त इसका आनंद ले, यह धरा उसका आनंद ले, ऐसे प्रार्थना के साथ में भक्तों को हम पुनः बारी बारी से ऐसे कार्य होवे क्योंकि कार्तिक मास के पश्चात मार्गशीर्ष मास उत्तमोत्तम, उसके पश्चात धनुर्मास, उसके पश्चात माघ मास, उसके पश्चात चैत्र मास प्रभु राम की जन्म, तो यह एक परिपूर्णतया त्यौहार का पर्व है जो दक्षिणायन से होकर उत्तरायण तक जाता है। तो प्रसादी आज हम देख रहे हैं मात्र आश्रम में नहीं, आज स्वयं हैदराबाद में आंदक पूरे हमारे इस परिसर प्रांत में सिकंदराबाद और आसपास अनंत ऐसे प्रसादी हो रही, तो सभी लोग भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है तो मंगल होगा, ऐसा किसी एक जाति किसी एक धर्म का विषय या प्रकृति का विषय है या परिपूर्णतया हमारे समस्त जगत के रक्षा का विषय है, इसलिए उसकी सुरक्षा पूरे जगत की रक्षा, इसलिए सभी का ये धर्म और कर्तव्य बनता है। यह आनंद हम लोग सब प्रयत्न करते हैं, क्या वर रामचंद्र भगवान की ప్రతి హిందువు కూడా గోసేవ చేసుకోవాలి, ఎక్కువగా ప్రతి మనిషి కూడా ఈ గోసేవ చేసుకోవాలి, ధరించవలసిందిగా